नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। ब्यावरा, सोमवार को ब्यावरा सिरौंज नेशनल हाईवे 752B पर ब्यावरा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें राजगढ़ रेफर कर दिया गया। ब्यावरा शहर थाना प्रभारी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार को ब्यावरा की ओर से सुठालिया की तरफ जा विस्टा कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से कार चलाते हुए गंजबासौदा से ब्यावरा की तरफ आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार जीरापुर के हरिपुरा गांव निवासी ज्ञान सिंह व उसका 3 साल का बेटा कैलाश व 7 साल का बेटा जितेंद्र व पत्नी संतोष बाई व भाई मान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चालक हादसे के बाद तेज रफ्तार से कार को भगाने लगा। इसी बीच ब्यावरा से सुठालिया की तरफ जा रही एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार कालीपीठ थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव निवासी पप्पी बाई पति जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति जितेंद्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महिला सुठालिया के समीप पिपलिया गांव में राखी करने के लिए जा रही थी, इसी दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस महिला के शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके शव पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर हादसे में घायल हुए सभी घायलों को राजगढ़ रेफर किया गया, वहीं पुलिस ने कार को जब्त किया। खबर समय जगत के लिए ब्यावरा से कामेश नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.